देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सड़क से शिखर तक का सफर तय करने का हौसला लिए बच्चों के अधिकार और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए एक सामाजिक संस्था ने उठाया यह सराहनीय कदम। आइए देखते हैं नेशनल थॉट्स की एक खास रिपोर्ट। नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां सामाजिक संस्थाएं अपना बहुत सारा योगदान देती हैं, और यहां विशिंग एंड ब्लेसिंग एक संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, उनको शिक्षित करने का काम करती है, क्योंकि शिक्षित अगर जब होंगे तो वो सब कुछ अपना अच्छा बेहतर कर पाएंगे जीवन को। जानते हैं कि कब से ये NGO काम कर रहा है यहाँ पर और क्या कुछ इनके लिए जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं या बच्चे हैं जो गरीब तबके के उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं दे रहा है। मेरा नाम बरखा है, मैं टीम विशेष एंड ब्लेसिंग्स के साथ पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हूँ और इस जगह पे मादीपुर में हम पिछले 2.5 साल से काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में हमने यहाँ पे कोरोना के दौरान SOS रिलीफ प्रोवाइड किया था न्यूट्रिशनल सपोर्ट के तहत। उसके बाद हमने कईयों SOS रिलीफ इस जगह पे करी है। यहाँ पे आए दिन इन लोगों को जिस चीज की भी ज़रूरत होती है हम कोशिश करते हैं हम इनकी मदद कर पाए उन चीज़ों से। एंड क्योंकि हम 2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे, इन बच्चों को हम देखते थे, तो हमें लगता था कहीं ना कहीं ये बच्चे जो उनके अधिकार है, जो उनके राइट टू एजुकेशन है, उनसे वंचित थे। एंड एक संस्था के तरफ से होने के नाते हमारा हमेशा ये था, हम क्योंकि एजुकेशन में काम करते हैं, हम बहुत सारे एल्डरली पे काम करते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे काम करते हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम इन बच्चों को भी वो अधिकार उनको दिलाएं जो उनकी राइट्स है। ये पाठशाला हमने पिछले दो हफ्तों पहले ही हमने इनिशिएट किया था। चिल्ड्रंस डे के डे पे हमने इसको लॉन्च किया था और डॉक्टर गीतांजलि चोपड़ा जो फाउंडर है हमारे संस्था की, उन्होंने आके यहाँ पे इनॉग्रेशन करा था इस इनिशिएटिव का। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम वैसे तो डे केयर सेंटर्स चलाते हैं, बट ओपन पाठशाला के तहत यह हमारा पहला इनिशिएटिव है और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ इसी तक सीमित ना रह के आगे देश के दूसरे कोनों में भी ये इनिशिएटिव और कर पाएँ, बच्चों को उनका अधिकार दिला पाए। इसके अलावा जो बच्चों के बारे में आप लोगों की सो बेसिकली ये जो बच्चे हैं अभी हम इनको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं कईयों बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, कईयों हैं जो जाते हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के वजह से इन बच्चों को ये कहीं ना कहीं जो उनको आना चाहिए था अपने उम्र के हिसाब से आई थिंक वो अभी नहीं आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ दो टीचर्स हमने यहाँ पे स्टेशन करे हैं। आई एम द प्रोग्राम मैनेजर एंड आई कम माई सेल्फ एवरी डे टू चेक आउट कि क्या है नहीं है, ऑपरेशन कैसा चल रहा है। एंड हमारे साथ एक वॉलंटियर हर रोज़ यहाँ पर आता है। हम डिफरेंट एजुकेशनल काउंसलर्स से भी हम ऑफन ऑन एंड ऑफ हम करते रहते हैं जिज्ञासा कि हम क्या और कर सकते हैं बेहतरी इनके बेहतरीन के लिए। जिस दिन हम आए थे उस टाइम पे 40 बच्चे थे और आज के दिन पे यानी कि 2 हफ्तों के बीच के अंदर आज यहाँ पे 55 बच्चे हैं। तो हमें यही लगता है कि जो बच्चे हैं उनमें इंटरेस्ट है, जो माता पिता हैं उनको भी एक कहीं ना कहीं होप दिख रहा है कि उनको बच्चों के लिए कुछ भविष्य के लिए कुछ हो रहा है। एंड हमें लगता है जो इनिशिएटिव हमने यहाँ पे किया है हम ऐसे ही करते जाए बच्चों की और इनके माता पिता की सहयोग से। पहले 3 महीने हम इनको वीकेंड्स पे ही चलाएंगे, नॉट प्रॉपर वीकेंड, ऑन फ्राइडेज एंड सैटरडेज। रीज़न ये है कि क्योंकि ये कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए हैं, फॉर्मल एजुकेशन में इनका कोई रोल नहीं रहा है, हैबिट नहीं है, दे आर नॉट हैबिचुअल टू दैट। सो हम चाहते हैं कि इनका पहले जो हम मनोबल है क्लासरूम में बैठने का या फिर क्लास में बैठ के कुछ सीखने का पढ़ने का, वो हम पहले माहौल बना ले। तो उस वजह से हम फ्राइडे एंड सैटरडे के सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे के क्लासेस रखते हैं एंड ग्रेजुअली विल स्टार्ट इट लाइक 5 डेज अ वीक। थैंक यू सो मच। हमारे जो बच्चों को पढ़ा रही हैं बहुत बढ़िया लग रहा है।
आपके बच्चे अभी क्लासेस ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब से मैम आ रही हैं तो हमारे बच्चे को थोड़ा बहुत संस्कार दे रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको, बहुत धन्यवाद है। ऐसे बच्चों को यहाँ भेजो? बोलते हैं, हम लेके भी आते हैं हम अपने घरों से, चलो सारे बच्चे वहाँ पर, चलो मैडम पढ़ा रही हैं उनके लिए, चलो आप सब मिल के एक साथ वो पढ़ा रही हैं तो वहाँ पर बैठो आप। वंदना जी, आप बच्चों को पढ़ा रही हैं और आप कहाँ से, इसी एरिया से कैसे? नहीं सर, मैं बदरपुर से आती हूँ। इन बच्चों के बीच आकर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। आपको क्या लग रहा है कि बच्चे कैसे, आपके जो मेंटल लेवल है किस तरह का आपको? नहीं, इन बच्चों की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है अदर बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसा हम देखते हैं कि पॉश एरिया में थोड़ा बच्चे, लेकिन ये हमारे बच्चे ऐसे हैं कि इन्हें कुछ भी हम पढ़ाते हैं तो ये बहुत जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि ये लोग रोड पे रहते हैं, पूरा दिन देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर चीज़ समझते हैं। तो ध्यान देने की जरूरत? हाँ, बस ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए कि किस तरीके से ये अपने आप को कर सकें, बाकी हम लोग जितना हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं।